नमस्कार, स्वागत है आपका डीएनएन में। सवाल तो पूछेंगे, मैं आज बात करेंगे ग्वालियर चंबल अंचल में भारतीय जनता पार्टी की कवायद की। मैं हूं डॉक्टर राकेश पाठक। पिछले 15 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी इस बार किसी भी कीमत पर सत्ता के गलियारे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। तभी तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दलित सवर्ण फैक्टर से घबराई बीजेपी अब अटल जी और राजमाता के सहारे जीत का परचम लहराने की तैयारी में है। इसकी झलक राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ग्वालियर, गुना और शिवपुरी के दौरों में दिखाई दे चुकी है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता सुख भोग रही बीजेपी को इस बार एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही सवर्णों और दलितों के गुस्से से भी जूझना पड़ रहा है। सवर्ण और दलित आंदोलन का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल इलाके में ही देखने को मिला। जबकि इसी क्षेत्र से शिवराज सरकार के 6 कद्वार मंत्री आते हैं, तो केंद्र में कैबिनेट मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रबंधन कमेटी के प्रमुख नरेंद्र सिंह तोमर भी ग्वालियर चंबल से ही आते हैं। इसके बावजूद शायद पार्टी को इस बात का एहसास है कि इस बार सिर्फ शिवराज और केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के दम पर चुनावी वैतरणी पार कर पाना मुश्किल होगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की लोकप्रियता भी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन रही है। तभी तो बीजेपी अब राजमाता विजय राजे सिंधिया की जन्मशती के बहाने उनके और अटल जी के नाम पर जनता का आशीर्वाद दोबारा हासिल करने की कोशिश में है। कांग्रेस इसे बीजेपी के खिसकते जनाधार से जोड़कर निशाना साध रही है। होता है भारतीय जनता पार्टी जो है सबको लेके साथ चलती है, वो कभी बांटने का काम नहीं की है। और चूंकि अटल जी का क्षेत्र रहा है ग्वालियर, तो स्वाभाविक है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ आए थे, तो उनके यहाँ जाना स्वाभाविक होता है। आपने देखा हो कि अभी पिछले 1.5 माह में जो है उनको देहावसान हुआ है, वो जो है हम लोग के बीच में नहीं रहे, लेकिन वो सदैव अमर रहेंगे, अजर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी के पद चिन्हों पर ही चल रहा है, और विजय राजे माता जी के पद चिन्हों पर चल रहा है, पंडित दीनदयाल जी के पद चिन्हों। हमारा काम ही है सब का साथ सबका विकास। आज हालत इतनी खराब है कि अटल जी को जो भूले बैठे थे, आज अपनी जमीन खसकती देखकर अपने वादों को जुमला साबित करके पूरे देश की जनता की नाराजगी के चलते उन्हें अटल जी याद आ रहे हैं। राजमाता जी की एक तस्वीर तक वो रखना पसंद नहीं करती थी बीजेपी। राजमाता जी की बेटी इस बात का विरोध भी कर चुकी है, जो स्वयं मंत्री हैं। उसके बाद भी तो चुनाव जब आते हैं, भगवान राम को जो के नाम का जो दुरुपयोग चुनाव के लिए कर सकता है, तो अटल जी और राजमाता जी क्या। विंध्य के बाद ग्वालियर चंबल ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां जातिवाद की 5 जड़ें बेहद मजबूत हैं। शायद इसी वजह से SC ST एक्ट और आरक्षण का सबसे मुखर विरोधी इसी इलाके में दिखाई देता है। दलितों के बंद के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा प्रदेश में यही हुई थी। चुनावी माहौल में इस इलाके में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुश्किल में है। लेकिन बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि वो प्रदेश में 15 साल से सरकार चला रही है। बीजेपी को राजमाता और अटल जी से उम्मीद है। बीजेपी को लगता है कि इनके नाम के सहारे वो चुनाव में विजयी चौका लगाने में कामयाब होगी। तो देखा आपने, ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में अटल जी और राजमाता सिंधिया का जो स्थान है, उसकी याद भारतीय जनता पार्टी को फिर से आ गई है और बहुत जोर से याद आ रही है। आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ आज के इस खास परिचर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शैलेंद्र प्रधान जी। शैलेंद्र जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता दीपचंद यादव जी। दीपचंद जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार और इनसाइट TV न्यूज़ के प्रधान संपादक राजनीतिक विश्लेषक राजेश भाटिया जी। राजेश जी, आपका भी स्वागत है। शैलेंद्र जी, आपसे बात शुरू करते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी थे अमित शाह जी, और उससे पहले भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी दोनों राजमाता जी को बहुत शिद्दत से याद कर रहे थे। आज संदर्भ हम यूं भी जोड़ सकते हैं कि कल 12 अक्टूबर है, राजमाता विजय राजे सिंधिया का जन्म शताब्दी वर्ष कल से शुरू होगा, जिसे मनाए जाने का आह्वान आपकी पार्टी ने किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों कह गए। अगर आप स्मरण करें तो पिछले कई सालों से राजमाता जी की के बारे में उनको स्मरण करने का ऐसा कोई विशेष गतिविधि पार्टी नहीं कर रही थी। अब चूंकि चुनाव सामने हैं और ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया सरनेम या सिंधिया के बिना बात पूरी नहीं हो सकती, तो राजमाता की याद आने की कोई खास वजह चुनाव। चलन जी, देखिए,
राजमाता जी की जन्म शती का निर्णय जी आज से 6 महीने पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो चुका, और हर साल जिस दिन उनका जन्मदिन आता है उस दिन कई जगह हर अलग अलग क्षेत्रों में जिला स्तर पर कार्यक्रम होते रहे। अब क्योंकि चुनाव घोषित हो गए हैं और मीडिया को अधिकार है कि इसको कनेक्ट करे चुनाव से जी, और ज्योतिरादित्य जी को कांग्रेस के भी उम्मीदवार कहें या जो नेता हैं, तो हमारे यहाँ भी यशोधरा जी हैं, विजय राजे जी हैं, माया सिंह जी हैं, ये सब उसी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। और हमारे यहाँ माननीय राजमाता का हमेशा से बड़ा नाम रहा है, और हमने हमेशा अगर आप किसी कार्यक्रम में जाएं भारतीय जनता पार्टी के, तो 3-4 जो फोटो जिन पे माल्यार्पण होता है और दीप प्रज्वलन जिसके सामने जी, मैं आपको याद दिला दूं कि अभी पिछले 2-3 कार्य समिति की बैठकों में ऐसा हुआ कि राजमाता जी की फोटो मंच पर नहीं थी, और उनकी सुपुत्री जो कि मंत्री हैं आपकी सरकार में, वे बाकायदा टेलीविजन पर देखी गई, आपत्ति दर्ज कराती हुई, और वे बहिष्कार करके चली गई अभी भोपाल में कार्य समिति। तो अभी 15 दिन पहले तक राजमाता जी की तस्वीर याद नहीं थी लगाना, नहीं, और अब एकदम जन्म शताब्दी वर्ष। नहीं, आप अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आए जी और जो ऑडिटोरियम में जाए, तो वहाँ 4 तस्वीरें जो रखी है उसमें एक माननीय राजमाता जी की, और हर कार्यक्रम हमारे वहीं होते हैं। ये पहला कार्यक्रम था वर्किंग कमेटी का जो वहाँ ना होके संत हृदय रामनगर के एक महाविद्यालय में हुआ, तो कुछ चूक तो कार्यकर्ताओं से हो जाती है, पर यशोधरा जी ने जब उसका विरोध किया तो तब तक वो मूर्ति तो तस्वीर आ गई थी। तो ऐसा क्योंकि माननीय यशोधरा जी नाराज़ हो गई इसलिए वो बात हाईलाइट हो गई जी, पर हमेशा से आप देख लें जाके वहाँ तस्वीर रखी हुई है, वो हमेशा रखी रहती है। चलिए दीपचंद जी के पास चलते हैं। दीपचंद जी, आपकी आपकी पार्टी के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष या संयोजक हैं, और ग्वालियर चंबल अंचल सिंधियाओं के प्रभाव का क्षेत्र है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को, और मध्य प्रदेश भर में लगातार वे अभियान चला रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को कम करने उनकी काट के लिए राजमाता जी याद आई हैं बीजेपी को क्या? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बात तो यही है, लेकिन मैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता की पृष्ठभूमि में अगर आप जाएंगे जी, तो आप ये देखेंगे कि जो इनका जन्म उत्पत्ति जनसंघ हिंदू महासभा और RSS से हुई जी, और अगर अपन ये माने कि जनसंघ से जब इनकी उत्पत्ति हुई तो इन्होंने जो जनसंघ के ही कद्दावर नेता थे जो अध्यक्ष रह चुके हैं उनको ही कभी इन्होंने याद नहीं किया, तो ये इनका अब इस वक्त एक मुझे शेर याद आता है जी, कि हालांकि वो उसको किस अंदाज में लेंगे ये मैं नहीं जानता, पसीना मौत का माथे पे आया है, आईना लाओ हम अपनी ज़िंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे, चुनाव आ रहा है, जब चुनाव आ रहा है चुनाव में जो कुछ रिजल्ट की संभावनाएं हैं दिख रही हैं उसके वजह से अब इनको अटल जी भी याद आने लगे, दीनदयाल उपाध्याय जी तो बहुत बड़े आइकॉन हो गए जबकि उनको भूल बैठे थे ये सब इनके, और राजमाता भी याद आने लगी, तो ये इनको सिर्फ चुनावी हथकंडे के लिए चुनाव में स्मरण करने के लिए चुनाव की दृष्टि से उस क्षेत्र के अंदर जहाँ का पर उनका प्रभाव है इसके लिए राजमाता की याद आई। 125वीं वर्षगांठ है, इतने सालों से तो इनकी नहीं आई याद, क्यों नहीं आई ये तो अब ये लोग जानते होंगे, लेकिन 125वीं नहीं जन्म शताब्दी वर्ष 100 साल से हाँ 125वीं है था, 100 नहीं राजमाता जी का जन्म 120 1919 का जन्म है उनका, 120 वर्ष सॉरी हाँ 1919 में सागर का जन्म शताब्दी वर्ष मुझे सॉरी मैं नहीं कोई बात आपने भूल को सुधार कर लेता हूँ, तो ये अब उनको याद आ रहा है अटल जी कितने दिन तक बीमार रहे कभी इनकी याद नहीं है, बलराज मधोक जो इनके अध्यक्ष रहे उनको तो क्या पता है ये उनको किस दृष्टि से देखते हैं, तो ये इनकी मानसिकता, अगर उनकी आज उपयोगिता होती तो उनकी भी जन्म शताब्दी मना रहे होते या कोई सा भी वर्ष मना रहे होते,
तो ये राजनीतिक दृष्टि से उसके लाभ ले रहे हैं, ये इनकी कार्यशैली है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ग्वालियर के लोग, ग्वालियर के आसपास के लोग ये अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इनका राजनीतिक जो उनको याद करने की बात है उसके झांसे में नहीं आने वाली। जी राजेश भाटिया जी, आपको स्मरण ही है कि राजमाता जी पहले कांग्रेस में थी, 1957-1962 में, 57 में गुना से सांसद बनी, 57 में ग्वालियर से, 67 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और उसके बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार देश की मध्य प्रदेश में बनी, संवित सरकार जी। और 1989 में लगभग 22 साल बाद वे गुना फिर से लौटी और फिर सांसद बनी थी। तब से बहुत लंबा अरसा हो गया ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति का। राजमाता जी को गए हुए अब तो वर्षों हो चुके हैं, आपको लगता है उनके नाम का उपयोग करने से भारतीय जनता पार्टी को उस अंचल में कोई बहुत लाभ होने वाला है? देखिए राकेश जी, चूंकि मैं भी उसी अंचल से आता हूं जी, तो राजमाता से, जैसा दीपचंद जी ने कहा और प्रधान साहब की बात मैंने सुनी, राजमाता जी से उस क्षेत्र की जनता का एक भावनात्मक संबंध है जी। और भावनात्मक संबंध यूं तो सिंधिया घराने से है, पर चूंकि राजमाता भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थी और उसकी संस्थापक सदस्य थी, तो इसलिए जो आम जनता है वो कनेक्ट करती है अपने आप को, और उसी का फायदा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव में उठाना चाहती है। आप ये देखेंगे कि अभी जो हाल ही में रैली हुई भोपाल में, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी अपने अमित शाह जी आए थे, उस रैली के अंदर बड़े बड़े कटआउट उनके लगाए गए थे मंच के दोनों ओर, तो ये पहली बार देखने को मिला। यशोधरा राजे जी की जो बात है वो तो 2-3 बार आप अखबारों में पढ़ भी चुके हैं, खुले रूप से जो उनका टेलीविजन पर देख चुके हम लोगों ने, कई बार वो इस संबंध में बाइट भी वो 1-2 बार दे चुकी हैं, तो ये उसके बाद आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती जिससे कि उसका जो जनाधार जो थोड़ा बहुत खिसक रहा है, जो कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो 50-50 हो गया है, उससे उसको प्लस हो सके। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जन्म शताब्दी वर्ष की जो कल वो कमल संदेश कमल शक्ति संवाद के नाम से जो शुरुआत कर रही है, ये उसी की परिणति है जी। राजेश जी, शैलेन्द्र प्रधान जी, राजमाता जी को इतनी शिद्दत से याद कर रही है पार्टी और उनकी बेटी यशोधरा राजे कुछ दिन पहले, एक आध पखवाड़े पहले कहती है मैं चुनाव लड़ूंगी कि नहीं यह अभी तय नहीं है, अभी वे लगातार आक्रोशित, नाराज, असंतुष्ट दिखाई दे रही हैं पार्टी से, ये कैसा तालमेल है कि राजमाता जी को तो इस तरह याद किया जा रहा है, मंत्रिमंडल में भी उनके पास कोई बहुत खास मंत्रालय या विभाग नहीं है, यशोधरा जी लगातार खुद को उपेक्षित महसूस करती हैं और राजमाता जी की जन्म शताब्दी अब कल 12 तारीख से शुरू कर रहे हैं। देखिए माननीय यशोधरा जी मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की निरंतर सदस्य रही हैं जी, ये अलग विषय है कि कौन सा विभाग और कौन सा डिपार्टमेंट उनके पास अलग अलग समय पर रहा है, पर ये उससे ये मत निकाला नहीं जा सकता कि वो उपेक्षित हैं। जहाँ से वो टिकट चाहती हैं, जब चाहती हैं, लोकसभा चाहती हैं तो लोकसभा, विधानसभा चाहती हैं विधानसभा, उनकी मर्जी से टिकट मिल जाता है, से मिलता है जी। अब मैंने फिर कहूँगा कि हमारे कांग्रेस के मित्र हम पे आरोप लगा रहे थे, तो मैं तो ये कहूँगा चलनी सूप से कहे तुझ में छेद है, इनके यहाँ तो एक ही खानदान की पार्टी है, इनके यहाँ अगर पूरी क्रोनोलॉजी उठा लो तो 4 नाम हैं, बाकी है कौन, बाकी को इनको याद रखना बड़ा दिमाग पे इन पे वजन पड़ता, हमारे को सीख दे रहे हैं तो ठीक है, ये दे सकते हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं और भगवान ने इनको मौका दिया कि उपदेश ही दें, क्योंकि जो इनको दायित्व तो दिया नहीं सरकार का। परिवारवाद की बात कर रहे हैं शैलेन जी, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं दिखता आपको दिल्ली से मध्य प्रदेश तक कहीं? हाँ निश्चित ही 4 पीढ़ी का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई हो तो, और आपको भी याद हो तो जरूर बतला। सिंधिया जी, सिंधिया के परिवार की बात चल रही है तो सिंधिया परिवार से ही 2 हैं, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री हैं, यशोधरा जी मंत्री हैं, राजमाता जी की बेटी हैं, इसी नाते नहीं वो नेता है, विधायकों को ने उनको चुना है, अब इनके यहाँ तो ऊपर से ही नाम आ जाता है, इनसे और हमारे यहाँ में फर्क है। चलिए बहुत लंबी फहरिस्त है दोनों तरफ,
परिवारवाद की, परिवार के सदस्यों की, इस वक्त एक पीढ़ी वाली नहीं है। जी चलिए, अभी समय कम हुआ है, हो सकता है चार पीढ़ी तक पहुंचे। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। InStyleWay.com, a family salon. InStyleWay, a family salon. The only salon at your home. Services we provide: hair treatment, skin treatment, advanced makeup, all types of facial, highlights and other services. A parlor, aapke ghar, sirf ek phone par. Ya aap kar sakte hain online booking. www.instyleway.com par. हमारा पता है शॉप नंबर UG 31, करतार आर्केड, नियर कैपिटल पेट्रोल पंप, रायसेन रोड, भोपाल। कॉन्टैक्ट 9691239535, 7470438837। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है एक बार। दीपचंद यादव जी, शैलेंद्र प्रधान जी आपकी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं, जो कि कांग्रेस पर हमेशा से लगता आया है, और आज सिंधिया परिवार की बात हो रही है, तो राजमाता सिंधिया के बाद उनकी पूरी पीढ़ी, उनके बेटे माधवराव सिंधिया, उनकी बेटियाँ, दोनों लगातार सत्ता में हैं ही, दोनों पार्टियों में हैं, दो आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया चार बार के सांसद हैं आज की तारीख में। तो ये जो ग्वालियर चंबल अंचल सिंधियाओं का जो प्रभाव क्षेत्र है, आपकी पार्टी लगातार माधवराव सिंधिया और के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौर में, इन दोनों के मुकाबले राजमाता जी का नाम आने के बाद आपको क्या लगता है, कहाँ आप ठहरने वाले हैं? पहली बात तो ये है कि राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई, किस पार्टी से? मैंने बताया 1952 में कांग्रेस से चुनाव, 57 में पहला चुनाव लड़ा था, वो रहा 66 में करेरा से एमएलए का वो है, इसके बाद में एक वो एक जो भी बात है। लेकिन जहाँ तक परिवारवाद की अगर कोई बात करे जी, तो मैं शैलेंद्र जी को जरूर बताना चाहूँगा कि आप पूरी कांग्रेस की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कांग्रेस में कभी भी ऐसा जो अपनी योग्यता के आधार पर जो आ गया तो आ गया, वरना परिवारवाद का, चाहे आप कांग्रेस के अध्यक्ष आप उठा करके देख लीजिए, जिसकी शुरुआत 1885 में किससे हुई, वो कहाँ तक चली। इसके बाद में जहाँ प्राइम मिनिस्टर की बात हुई, तो पंडित जी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री के बाद में लाल बहादुर शास्त्री हुए, इसके बीच में गुलजारी राम नंदा जी हुए, इंदिरा जी हुई, इंदिरा राजीव जी के, राजीव जी के बाद में फिर एक फेरिस्त लंबी चली आ रही है। तो ये एक बात, एक क्योंकि आलोचना करने की दृष्टि से आप करें तो कर लीजिए, लेकिन परिवारवाद कहाँ है? अभी परिवारवाद का अगर मैं नाम गिनाना शुरू करूँगा तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो यूपी के नेता हों, चाहे बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे शिवराज हों, चाहे दूसरे लोग हों, किसका नहीं है कि इन लोगों में परिवार का इनमें ज़्यादा है। वहाँ तो हम लोग यहाँ कांग्रेस में तो इतना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में परिवारवाद ज़्यादा है, इसलिए इस पर चर्चा करने का कोई मैं आज विषय भी नहीं है परिवारवाद। हाँ, जहाँ तक विजयराजे जी का, सिंधिया जी का परिवार का, उनका योगदान का मामला है अपने क्षेत्र के लिए, मैं सीधा पूछ रहा था दीपचंद जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने राजमाता का नाम खड़ा करना किस तरह की चुनौती आपके लिए? देखिए, चुनौती नहीं है, ये काउंटर करना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो प्रभाव आज उस क्षेत्र के अंदर है, उसके सामने राजमाता का नाम लाना चाहते हैं। लेकिन इसका लाभ कितना ले पाएंगे ये लोग, मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि जो उनका जो प्रभाव क्षेत्र है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, उसको ये घटा नहीं सकते हैं, उनका एक अपनी छवि है,
उनकी एक कार्यशैली है, उनका सबको साथ में लेकर के चलने का है, और उसमें जब वो जाते हैं कि राजमाता का वैचारिक रूप से वो भले ही व्यवस्था में जनसंघ या इसमें गई हो, वैचारिक रूप से वे हमेशा से कांग्रेस की रही और कांग्रेस के साथ रही। अब एक व्यवस्था थी, डीपी मिश्रा जी से उनका थोड़ा सा था मनमुटाव हो गया, उन्होंने अपना 67 से लेकर मृत्यु पर्यंत तो दीपचंद जी भी भाजपा में और जनसंघ में रही, तो कांग्रेस ही मान सकता कैसे कैसे? नहीं देखिए 67 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नहीं नहीं बाद में, बाद में संविद सरकार बनी मध्य प्रदेश। देखिए संविद सरकार मैं वही कह रहा हूँ ना, मान शुरुआत कहाँ से हुई उनकी? डीपी मिश्रा से विवाद हुआ था, शुरुआत डीपी मिश्रा जी से, जो टिकट वितरण को लेकर उनको एक उसमें शेख चिल्ली माता का था, आप स्मरण कीजिए डॉक्टर, आपको याद होगा जी, जी। वहीं उसी से विवाद हुआ, और वहीं से गोविंद नारायण सिंह जी को लेकर के 40 MLA को लेकर के उन्होंने SVD बनाई, और वहीं से उनका पलायन, फिर वो सीधी जनसंघ में नहीं गई जी, वो SPD में गई जी, जनता पार्टी में गई। जनता पार्टी को बीजेपी का तो जन्म ही 80 का है, सन 1980 का, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से है। हाँ तो जनसंघ, जनसंघ में भी देखिए जनसंघ की स्थापना कब हुई? जनसंघ की स्थापना शैलेंद्र प्रधान जी, नहीं मैं वही बताऊं, और उस वक्त वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी कांग्रेस से, संस्थापक नहीं, हाँ भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक, हाँ जनसंघ के संस्थापक उसमें नहीं है बलराज मधोक जी, बलराज, और बलराज मधोक जी को आपने याद नहीं करते, और आप चलिए राजेश भाटिया जी के पास चलते हैं। दीपचंद जी, ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया परिवार के प्रभाव की बात होती है, लेकिन उस प्रभाव के बावजूद राजमाता विजयराजे सिंधिया के मौजूद होते हुए भी भिंड दतिया संसदीय सीट पर वसुंधरा राजे लोकसभा का चुनाव हार गई थी। राजेश भाटिया जी, क्या सचमुच कोई एक परिवार का नाम, एक राजवंश का नाम इतना प्रभावी इस दौर में भी है? सोशल मीडिया का दौर है, नई युवा पीढ़ी है, उसने न राजतंत्र देखा न राजे महाराजे देखे, और एक तरह से राजे महाराजाओं के प्रति अब युवा पीढ़ी का वैसा मान सम्मान का भाव भी नहीं है। तो जब राजमाता जी खुद थी तब वसुंधरा जी चुनाव हार गई थी, अब आज के हालात में क्या सिंधिया परिवार को कोई चुनौती दिखती है? वहाँ दोनों तरफ की बात करूँगा। देखिए पाठक जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जनता बहुत जागरूक हो चुकी जी। है, सोशल मीडिया का युग है, वो चाहे वो कांग्रेस के जो डिसीजन हो या भाजपा के डिसीजन हो, वो दोनों को बहुत ही बारीकी से देखती है। आप सोशल मीडिया पर देखिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी ने राजमाता के संदर्भ में जो स्टेप लिया है वो उससे भली भांति परिचित है। अटल जी की मृत्यु के बाद जिस तरीके से उन्होंने उस लाइन को आगे बढ़ाया और उसको यात्रा के दौरान कैश करने की कोशिश की, मासिक पुण्यतिथि, तो आप उसका सोशल मीडिया पर असर भी देखिए कि सोशल मीडिया उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने प्रयास किया है, भाजपा की कोशिश उसके अपने संदर्भ में ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज्यादा फायदा। और दूसरी बात, ज्योतिरादित्य सिंधिया करंट के नेता हैं, वो अपने फील्ड में जाकर जो भी प्रभाव है, जो भी उनका क्षेत्र है, उसमें वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसलिए उनकी उपयोगिता और उनका जो महत्व है वो ज़्यादा है। तो राजमाता को लेकर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई बहुत ज़्यादा लाभ होगा इन वोट के संदर्भ में। बाकी जो जन्म शताब्दी की बात है तो कार्यक्रम कर रही है लगातार, लेकिन लोग इस बात को बहुत भली भांति समझते हैं कि ये इस संदर्भ में वर्तमान जो चुनाव का दौर है इस समय क्यों लाया गया है इस चीज को। शैलन जी, राजेश भाटिया जी ने हमारा जो दूसरा पूरक विषय इसमें शामिल था, अटल जी की भी याद दिला दी है, मासिक पुण्यतिथि मनाई गई, पार्टी ने अस्थि कलश पूरे देश भर में घुमाए। दीपचंद जी कह चुके हैं कि जब अटल जी बीमार थे 9 साल तक तो कोई देखने नहीं गया, चुनाव के ऐन मौके पर ऐसे भूले बिसरे महानायकों को जिनको इस सरकार ने भी 4.5 साल में याद नहीं किया। अटल जी भी ग्वालियर के हैं, वहीं जन्मे, वहाँ सांसद रहे, वहाँ से चुनाव भी हारे एक बार में, लेकिन ग्वालियर के ही रहे हमेशा अटल जी। तो अटल जी के घर भी गए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी शिंदे की छावनी ग्वालियर में, जो उनका पैतृक निवास है, जहाँ उनका जन्म हुआ था उसी घर में अटल जी की याद भी चुनाव की बेला में, सिर्फ इसीलिए? देखिए अटल जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में याद किए जाते रहे, हमें तो याद है अटल, अडवाणी, कमल निशान, मांगरा, हिंदुस्तान, और हमारे लास्ट इसके पहले के जो PM थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, पर निश्चित ही जब वो गंभीर रूप से बीमार हो गए, और क्या होता है जो व्यक्ति बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो
उसको देखना भी अलाउ नहीं करते, क्योंकि वो एक अपने मेडिकल वीआईपीस तो जाते थे, वीआईपीस जाते थे, पर उनकी आखिरी तस्वीर अटल जी की आखिरी तस्वीर रोग अवस्था में लालकृष्ण आडवाणी जी की है, जो उनके घर पर वो देखने गए थे। मैं उस किसी बात के ऊपर वो नहीं करूँगा, पर निश्चित ही मेडिकल केसेस में जो पेशेंट होता उसको कहीं ना कहीं आइसोलेशन में रखना जी मेडिकल मजबूरी है, और यही एक कारण है कि हर कोई उनसे मिलने के लिए स्वतंत्र नहीं था। इसको आप जिस संदर्भ में लेना चाहे ले सकते। प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को भी अनुमति नहीं मिली उन्हें? नहीं, वो मिलते थे और पेपर में भी छपता रहा है ये का, आप इस कह सकते हैं कि रोज नहीं गए होंगे, पर वो गए हैं। जब जब उनका जन्मदिन है तो पीएम भी गए हैं और पार्टी अध्यक्ष भी गए हैं और कुछ प्रमुख नेता भी गए हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में शैलेन जी, अभी जो जाति संघर्ष कुछ हुआ 2 अप्रैल के बाद, सवर्ण एक अलग लामबंदी खड़ी हो गई, अटल जी को एक ब्राह्मण नाम के रूप में भी ग्वालियर चंबल में भुलाने की कोशिश वहाँ जिस तरह पंडित अटल बिहारी वाजपेयी कहा जा रहा है, तो ये जो वोटों का विभाजन होता हुआ दिख रहा था 2 अप्रैल की उस घटना के बाद, जो खाई बढ़ी थी जातियों की, तो एक सवर्ण और उच्च वर्गीय ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश भी अटल जी को याद करके? देखिए, ये मतलब चर्चित विषय ये है जी कि सवर्ण वोट नॉर्मली भारतीय जनता पार्टी के साथ जाता है, और वो क्योंकि जाता है इसलिए उसको रोकने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया गया जी। और मैं इसमें किसी एक दल का नाम नहीं लूंगा, पर सपाक्स का सवर्णों का आंदोलन किसने खड़ा किया आपके हिसाब से? देखिए, सपाक्स हो गया, अनारक्षित समाज पार्टी हो गई, सवर्ण समाज पार्टी हो गई, इसके पीछे बहुत सारे दल खड़े हो गए। अभी आपकी पार्टी के बड़े नेता तो कह चुके हैं इसके पीछे सिमी है, इस्लामिक ब्रदरहुड है, विदेशी धन है, बहुत सारी बातें कह चुके हैं। इस विषय पे कुछ नेता अगर हल्का बयान दे गए तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। चलिए दीपचंद यादव जी आपके पास चलते हैं। दीपचंद जी, ये जो अटल जी को याद करने की बात अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मासिक पुण्यतिथि तक मना दी, पूरे देश में अस्थि कलश भी घुमा दिए, ग्वालियर चंबल अंचल अटल जी का गढ़ रहा है, अटल जी का जन्म स्थान है ग्वालियर, उनके नाम से आपके पास कोई काट है उनके नाम की कांग्रेस के पास? हमारे पास अटल जी के, जब हम राजनीति में जाएंगे जी, तो अटल जी का दूसरे पहलू भी हैं, वो जो सब जानते हैं, जो न्यायालय और कानूनी पहलू हैं उसकी तरफ, क्योंकि जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं वो बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे बड़ा पार्लियामेंटियन बहुत कम लोग होंगे, वो सब चीज़ें, लेकिन जब हम कभी किसी के उसके मामले में जब वो नहीं होता है तो उसके डार्क पहलुओं को हम बात नहीं करते, उनके डार्क पहलू भी कुछ हैं जो एथेंटिक हैं, जो रिकॉर्ड पर हैं, वो उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता जो अब परिलक्षित हो रही है, आप देखिए आडवाणी जी को इन्होंने कहाँ बिठा दिया, मुरली मनोहर जोशी को कहाँ बिठा दिया, कलरा, और इनके जितने आपकी पार्टी भी सीताराम केसरी वगैरह को बिठाती रही। सीताराम केसरी हमारे अध्यक्ष रहे आखिर तक, आप आज मैं सीताराम केसरी को आप स्मरण कर रहे हैं, मुझे बताइए इनका आज बंगारू लक्ष्मण इनके अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनको स्मरण करते हैं ये लोग, उनको स्मरण करते हैं तो किस रूप में करेंगे ये उनको स्मरण? और भी इनके अध्यक्ष रहे, मुझे भारतीय जनता पार्टी के शुरुआत से लेकर के अभी तक के इनको कितने लोगों को स्मरण कर रहा है, जिन लोगों ने, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलिए इनका जन्म चाहे वो जनसंघ रहा हो और चाहे भारत बीजेपी रही, हाँ नरसिंह बराव पे करिए, मैं नरसिंह बराव जी पे भी करूँगा, उनसे योग आदमी, उनसे अच्छा प्रधानमंत्री, उन्होंने इकोनॉमिकल क्राइसिस में मनमोहन सिंह ने और उन्होंने दोनों ने जो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो कंट्री में थी वो निकाल करके लेकर के आज देश को आत्मनिर्भर बनाने में, राजेश भाटिया जी आपके पास चल भूमिका, समय समय थोड़ा बचा, समझा जी राजेश जी, कि जिस तरीके से जो शुरुआत हुई है
मध्य प्रदेश में जो शिवराज सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ी, जिस तरीके से पिछले 6 महीने का कैंपेन चला, वो सिर्फ विकास के मुद्दे पर था जी। विकास विकास के जो जो विकास उन्होंने किया वो आप एडवर्टीजमेंट में, न्यूज़पेपर्स में सब जगह देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वो विकास अब कहीं गायब होता जा रहा है और वो कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण पर जाकर टिक गया है या प्रतीकों पर है। या प्रतीकों, ये जो एक बड़ा बदलाव अपने को देखने को मिल रहा है कि अब विकास की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है तो सवर्ण और दलित की बात हो रही है, अब बात हो रही है तो राजनीति। राजेश जी, अभी अभी हमारे पास वक्त आज इस चर्चा में इतना ही है जी। तो आज हमने जाना कि ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में अचानक राजमाता विजयराजे सिंधिया और अटल जी बहुत प्रमुखता से याद किए जाने लगे हैं। देखना है इसके क्या नतीजे निकलेंगे नवंबर के मतदान के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला भी जारी है। इस चर्चा में इतना ही। हमारे तीनों खास मेहमान का बहुत धन्यवाद।